और अब आज की दूसरी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजरायली बमबारी जारी है जिसमें 550 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और हज़ारों लोग दक्षिणी लेबनान से भाग रहे हैं क्योंकि दोनों पक्ष अब एक बड़े युद्ध के कगार पर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने सोमवार को हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इसराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का भी दावा किया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले में अब तक 558 लोगों की मौत हुई है जिनमें 94 महिलाएं और 50 बच्चे शामिल हैं। इस हमले में 1835 लोग घायल भी हुए हैं। इसराइली सेना ने मंगलवार सुबह बताया कि उत्तरी इसराइल में लेबनान की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए जिससे आग लग गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्ला के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए गए जिसमें एक सेल भी शामिल है जिसने रात भर रॉकेट दागे और टैंकों और तोपखानों ने भी सीमा के पास के ठिकानों पर हमला किया। इसराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। IDF का दावा है कि हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में घरों के अंदर मिसाइलें छुपा कर रखता है जिन्हें तकरीबन एक साल से इसराइल में दागा जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में इसराइल लेबनान जंग के बाद से लेबनान पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है। उस वक्त महीने भर चली लड़ाई में लेबनान के 1,000 लोग मारे गए थे। फिलहाल हालात को देखते हुए लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वो उनके ऑपरेशन के बीच में ना आए। इजरायल की जंग हिजबुल्ला से है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकाने के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक IDF प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। हगारी ने लेबनान के नागरिकों को खतरे वाले इलाकों से दूर जाने की अपील करते हुए कहा था कि इजरायली सेना हिजबुल्ला के खिलाफ और घातक हमले करने जा रही है। हिजबुल्ला ने घरों और इमारतों में हथियार जमा करके रखे हैं। अगर आप ऐसी इमारत में हैं जहां हथियार हैं तो जल्द से जल्द उसको छोड़ दें। इस मैसेज को लेबनान के सभी नेटवर्क और प्लेटफॉर्म पर अरबी भाषा में भेजा जा रहा है। CNN के मुताबिक एक लेबनानी रेडियो स्टेशन को हैक कर लिया गया है। इसके बाद साउथ लेबनान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने को कहा गया है। वहीं लेबनान की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि सोमवार को देश भर में 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल गए। इसमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया था। कंपनी ने कहा कि ये कॉल कहां से किए गए इसका पता नहीं चल पाया। ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले को पागलपन कहा है और इसके साथ ही गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है। हमास ने भी लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की। हमास ने कहा कि ये एक वॉर क्राइम है। तो हमारे इस शो पर अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 Digital।